हेलो फ्रेंड्स, मनीषा चंदल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रिंग समोसा। देखिए, समोसा तो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये समोसा जो है, इसको आप देखिए, ये नए स्टाइल में बना हुआ है, नए शेप में बना हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिंग समोसा। देखिए, उसके लिए मैंने ये आलू जो है बॉईल कर लिए हैं, और ये मैदा का सॉफ्ट डो बनाया है। इसमें मोहन डाल के नमक और अजवाइन डाल के ये मैंने सॉफ्ट डो बना लिया है। तो चलिए हम इसकी जो है समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने बॉयल्ड आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच अपना जीरा डाल देते हैं। हमारा जीरा भून गया। इसमें हमने सारे मैश किए हुए आलू, ये सब 1 स्पून गरम मसाला, सॉल्ट हमारे टेस्ट के अनुसार, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, वन स्पून रेड चिली पाउडर, ये समोसे में इसमें हमारा जो है 1 स्पून ड्राई मैंगो पाउडर। अच्छे से मिला देते हैं। और अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा चॉप कोरिएंडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो इसमें आप ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए। नहीं खाते हैं तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर डाला हुआ है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला जो है अच्छे से भून गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। हम ठंडा होने रख देते हैं, और इधर हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। जो हमारे मैदा की रोटी, ये जो हमने डो बनाया था, इसके हम छोटे छोटे पोर्शन कर लेते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना के तो हम ऐसे बेल लेंगे।
थोड़ा सा मैं ठीक कर दे। इसको हम लंबाई में रखेंगे। इधर साइड से अमीर पट्टी हटा देंगे, अलग रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे मैदे का पोर्शन है उसमें हम बराबर से स्ट्राइप बनाएंगे। इसको हम ऐसे ही फोल्ड करते हैं और ये जो हमारे दोनों तरह के सिरे हैं, ये मैंने देखिए एक चम्मच मैदा थोड़ा सा पानी लेकर उसका गाढ़ा घोल बना लिया है। ये हमारे दोनों सिरों को स्टिक करने में काम आएगा। ऐसे लगा के हम स्टिक कर देंगे। और ये जो पट्टी हमने काट के रखी थी उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और जोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर हम अपने और समोसे भी इसी तरीके से बनाएंगे। फिर हम आलू की स्टफिंग लेंगे। किनारे से एक पट्टी निकाल देंगे, उसको घुमा के फिर हम उसी तरीके से स्ट्राइप्स बनाएंगे। ऐसे ऐसे रोल करते चले जाएंगे और फिर इसको ऐसे घूम देते हैं। ये दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा के जो पट्टी जो है जो हमने काट के रखी थी इससे इसको ज्वाइन कर देंगे ताकि इसका ज्वाइन पता ना चले। ये देखिए हम सभी अपने रिंग समोसों को
ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन। तो धीमी आंच पर ही बिल्कुल सेकना है हमें स्लो ग्लास को। ये सब जो है लेयर्स कैसे खुल जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत देखिए तैयार होके ही लगते हैं। ये देखिए टू मीडियम गैस पर इनको फ्राई करेंगे। टमाटर सॉस या ग्रीन चटनी चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। इसी तरीके से हम अपना सभी समोसा डीप फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रिंग समोसा तैयार हो गए हैं डीप फ्राई होकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन। अब इनको जो है हम ग्रीन चटनी के साथ टमाटो सॉस या चिली सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी है। ओके गुड डे, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।